हमारे सामने कुर्ता और पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए न, हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को कोई पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है इनका, नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहाँ से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहाँ से हटा दिया था। और इनका जो स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दीजिए तुरंत। बदन पर कुर्ता पैजामा और गले में गमछी लपेटे ये शख्स बच्चों को किताबी ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल इनको देखकर आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगता होगा कि ये कोई जनप्रतिनिधि हैं, कोई मंत्री विधायक हैं या फिर सरपंच या मुखिया हैं, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिहार की तस्वीर है और बिहार के एक स्कूल की तस्वीर है जहां बच्चों को पढ़ा रहे शख्स स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हालांकि कल ही हमने गुरु पूर्णिमा मनाया है और गुरुओं के सम्मान में न जाने कितने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए, तो कई लोग गुरुजनों के चरण स्पर्श कर भविष्य की मंगल कामना भी मांगी थी। लेकिन ये वो गुरुजी हैं जो नेता के लिबास में पहुंच बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि इनकी वेशभूषा को लेकर जब शिकायत हुई तो इलाके के डीएम भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जब इंस्पेक्शन के लिए देखा तो देखा कि प्रिंसिपल साहब उसी लिबास में हैं, यानी एक नेता के लिबास में हैं। और देखिए ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दूसरी तरफ एक तरफ ये प्रिंसिपल हैं जो कुर्ता पैजामा और गमछा लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस लखीसराय के डीएम संजय सिंह हैं, यानी जिला मजिस्ट्रेट हैं। और वो जब इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब का तेवर वही जनप्रतिनिधि की तरह था और देखिए कैसे हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई भी ले रहे हैं। ये प्रिंसिपल साहब हैं और इनको देखकर डीएम साहब भी यही कहे कि नहीं लगता आपको देखकर कि आप प्रिंसिपल हो, आप कोई जनप्रतिनिधि लगते हो। हालांकि मौके पर इनकी एटीट्यूड को देख डीएम साहब ने कड़ी फटकार लगाई और देखिए डीएम सबके सामने किस तरह से इन्हें कड़ी फटकार लगा रहे हैं। एहसान मत करिए, आपको तनख्वाह मिल रहा है, नहीं तो यहाँ सर्विस पर आना रहिए, नहीं जाइए। सर इनको दिए थे कि शिफ्ट बाय शिफ्ट इसको कर दिया जाए तो मुझे सहूलियत क्लास में आइएगा, आपको जब क्लास के बाद आपको जैसे भी अपना पोशाक रखना रखिएगा, यहाँ आइएगा तो शिक्षक की तरह आइए। गमछी हटा लीजिए मास्टर साहब। आपको तो ये भी नहीं समझ में आता है कि जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो आपको किस तरीके से तैयारी करके रखना है। कम से कम बच्चा लोग से सीखिए, वो लोग ज्यादा जागरूक हमको दिख रहा है आपसे। और दूसरा चीज है कि हर चीज में ऊपर वाले पर नहीं फेंकिए, अपनी जवाबदेही भी समझिए। चार ठो होल्डर लगा करके चार उसी लाइन से बल्ब खींच लेने में कोई बहुत नहीं था, मुश्किल से 500 रुपया भी नहीं खर्चा होगा। हमारे सामने कुर्ता और पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे न, हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है इनका, नाम नोट कीजिए और इनको शोकॉज वहाँ से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहाँ से हटा दिया था। और इनका जो स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए, इनका वेतन बंद कर दिए तुरंत। जब SSA के पास पैसा है, SSA यहीं का विंग है, तो SSA का सब शिक्षा को क्यों नहीं बोला? अभी वो पैसा भी नहीं दे रहा है, किसी स्कूल को नहीं दे रहा है, ना अपने स्तर से खर्च नहीं कर रहा है। ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय की है जहां शिकायत मिली थी जिलाधीश को कि एक स्कूल के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के बीच जनप्रतिनिधि के लिबास में जाते हैं, उन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा अपने भाषण झाड़ते हैं। इस पूरे मसले को लेकर जब डीएम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से पूरे स्कूल अव्यवस्था में तब्दील है और जिस बिहार का जिक्र IAS IPS के लिए किया जाता है उस बिहार के सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं। हालांकि जैसे ही डीएम स्कूल में पहुंचे उन्होंने तत्काल फोन कर प्रिंसिपल की शिकायत अधिकारियों को की और उनका सैलरी रोकने की भी बात मौके पर ही कर दी। अपने स्तर से खर्च नहीं कर रहा है, अभी नया खाता आदेश है।
हमको एक मिनट इस चीज को, अब हमको मेरा इरिटेशन लेवल इतना बढ़ रहा है ना कि हमको बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोगों का अकर्मण्यता और शिथिलता जो है ना, आप लोगों का चरम पर पहुंचा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अभी तो हम एसएचओ को भी नहीं बोले, वो भी ट्रांसफर होकर चला गया। आप एक चीज है, आपकी जवाबदेही यहां से होगा, आप ला करके यहां बल्ब करवा करके और आप मेरे को सूचित करेंगे।